अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। ये है एक पावरफुल गेमिंग फोन Fujitsu Aeros F51A। फोन से ज्यादा ये फ्लाइट का नाम लगता है। बहरहाल ये एक जैपनीज किट फोन है, स्नैपड्रैगन 865 के पावरफुल हार्डवेयर पे आता है और ऑफिशियल PTA प्रूफ भी ये फोन मिल जाता है। कितने में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये भी डिटेल्स आपको देता हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही थी इस फोन को, देखा जाए गेमिंग के लिए ले सकते हैं या ओवरऑल कैसा फ़ोन है, इस फोन के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, इस वीडियो को देखते रहना, सब क्लियर कर दूंगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है इस फोन की, बिल्ड क्वालिटी और इन एंड फील कैसी है। देखें, बड़े साइज का फोन है, 6.7 इंच इसका डिस्प्ले का साइज है, इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा। जो प्रोफाइल है फोन की वो स्लिम है, मतलब ये पतला फोन है और लाइट वेट है, 170 ग्राम के आसपास है। बैक साइड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये पॉलीकार्बोनेट है, मतलब प्लास्टिक है। डोकोमो का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, बिकॉज ये डोकोमो कैरियर वाला फोन है, जैपनीज है ना, वहाँ पे ये कैरियर चलता है, तो यही फोन आ रहे हैं पाकिस्तान में। बाकी पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर साइड पे है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले है और इन्होंने ना सेकंड फ्लोर पे लगा दिया, मतलब उठा ऊपर को करना पड़ता है नॉर्मल पोजीशन से जहाँ पे होते हैं फोन्स के, तो बहरहाल सही काम करता है वो। नीचे वाली साइड पे टाइप सी पोर्ट है, सिम ट्रे है और ये सिंगल सिम वाला फ़ोन है, स्पीकर ग्रिल आती है। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूँ ना इसकी बिल्ड क्वालिटी और इन एंड फील को, तो मुझे डिसेंट लगी है। अब एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, जब आप इन किट फोन्स को बाय करने चाहते हो, देखो सिचुएशन के हिसाब से अच्छे फीचर्स अच्छे पैसों में इन्हीं किट फोन्स में मिल रहे हैं, बट इनका जो एक मेजर प्रॉब्लम है पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू। अगर आपने कोई फॉल्टी किट फोन बाय कर लिया, उसके कोई पार्ट्स आपको रिप्लेस करवाने हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस कोई फेमस किट फोन हो, वन प्लस का हो, पिक्सल का हो, उनके पार्ट्स अभी मिलना शुरू हो गए हैं। तो इन फोन के लाइक ये Fujitsu या Fujitsu Aero जो भी इसका नाम है, इस फोन के मुश्किल से आपको पार्ट मिलेंगे, तो ये चीज़ माइंड में रहे। मैंने किट फोन बाइंग गाइड पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, उस पर काफ़ी डिटेल्स को मैंने कवर किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सबसे जो मेन हाईलाइट है इस फोन की वो है इसका तगड़ा चिपसेट, स्नैपड्रैगन 865 का हार्डवेयर, इसी वजह से मतलब यूज़र ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है फ़ोन की तरफ। तो देखो, हैवी यूज़ किया मैंने, मुझे मेरे यूज़ में कोई भी इशू नहीं है, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, और बस ये है कि UI में थोड़ा बहुत जिटर नोटिस होता है, बट हैंग लैंग का इशू नहीं है, ये चीज़ है। LPDDR5 की 8GB रैम है, मल्टीटास्किंग अच्छा हैंडल कर लेती है, UFS 3.0 वाली 128GB की स्टोरेज है, वो भी चीज़ों को अच्छा हैंडल कर लेती है, मेमोरी को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल सिम स्लॉट है इसके अंदर, स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है। परफॉर्मेंस जो है इसकी गेमिंग पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ, देखो पबजी खेली है, वही ज़्यादा लोग खेलते हैं, वही डिमांड है, स्मूथ से लेके जो HDR है वो तो एक्सट्रीम ग्राफिक्स के ऊपर आता है, तो ये स्मूथ विद एक्सट्रीम जो मेरा गेम प्ले है, मैं मोस्टली इसी ग्राफिक्स के ऊपर खेलता हूँ, तो एक रिस्पेक्टेबल गेम प्ले निकाल के देता है आपको TDM के अंदर भी और क्लासिक मैच में भी, हॉट ड्रॉप करते हुए भी चीज़ों को अच्छा मैनेज कर लेता है। और उसके अलावा अगर आप ग्राफिक्स को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हो ना, लाइक HD विद एक्सट्रीम खेलते हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत FPS ड्रॉप होने लग जाता है समटाइम, और इससे ऊपर अगर HDR करते हो तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी मज़े का गेम प्ले नहीं है। एक तो ये चीज़, दूसरा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ इसको खेल के देखा है, स्मूथ विद एक्सट्रीम, वहाँ पे फिर FPS ड्रॉप करना शुरू कर देती है डिवाइस थोड़े गेम प्ले के बाद, तो रिकॉर्डिंग के साथ अगर आप खेलते हो, रिकॉर्ड करके गेम प्ले खेलते हो, तो मैं ये डिवाइस आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ अगर आपने लेनी है स्मूथ विद एक्सट्रीम, नॉर्मल गेम प्ले करते हो तो वहाँ पे चीज़ें ठीक है, डिस्प्ले का साइज़ ठीक है गेमिंग के लिए, डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स, फायर कनेक्टिविटी, जायरो मूवमेंट्स वगैरह, वहाँ पे मुझे कोई भी इशू नहीं नोटिस हुआ। इवन इसकी जो बैटरी है वो 40% से भी नीचे आ गई थी, और मैं गेम प्ले खेल रहा था इस पे, TDM मैच भी खेला है एक्सट्रीम ग्राफिक्स पे स्मूथ के साथ, और क्लासिक भी खेला है, वहाँ पे भी गेम प्ले अच्छा मेंटेन करके दे रहा था, कोई भी ऐसा नहीं है कि बैटरी लो होने की वजह से या लो लेवल होने की वजह से कोई FPS ड्रॉप नोटिस हो, तो परफॉर्मेंस बेहतरीन थी वहाँ पे भी। बाकी जहाँ तक हीटिंग की बात है कि डिवाइस हीट तो नहीं करती, तो देखो वार्म ज़रूर हो जाती है अगर आप कंटिन्यूसली गेमिंग खेल रहे हो, लेकिन ओवर हीटिंग मैंने इसमें नोटिस नहीं की। मैं मतलब 1-1.5 घंटा कंटिन्यूसली बैठ के गेमिंग भी की है, तो ओवर हीटिंग का इशू नहीं आया। मैंने जैपनीज़ फ़ोन Aquos R2, R3, 02 इनको रिव्यू किया हुआ है, वो जब थोड़ा सा हैवी यूज़ करो तो हीट होते हैं, ओवर हीट करके थ्रॉटल करते हैं, परफॉर्मेंस को डाउन करते हैं, वो इश्यूज़ मैंने इस फोन में नहीं देखे। तो विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो एक अच्छा गेम प्ले मुझे मिल रहा था इसके अंदर। कंटिन्यूसली पबजी खेलते हो तो 3-3.5 घंटे का आपको कंटिन्यूसली गेम खिलवा देती है,
और इस फ़ोन की जो बैटरी है वो 4070 mAh की है, एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइज मुझे अच्छी लगी है इसकी बैटरी लाइक, मतलब अच्छा गेम प्ले, 3-3.5 घंटे का जो पबजी कंटिन्यूसली गेम प्ले है ये एक अच्छा टाइम है। और अगर इस फ़ोन का नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ के अंदर मैं आप स्क्रीन ऑन टाइम बताऊँ आपको, तो मेरे यूज़ में मैंने पबजी भी खेली, कैमरा भी यूज़ किया, अदर भी मेरा मतलब यूज़ रहा है, कोई 4.5-5 घंटे के आसपास मुझे ये स्क्रीन ऑन टाइम दे रही थी डिवाइस, तो ये भी एक अच्छा टाइम है बैटरी का। और अगर मैं चार्जिंग वाली साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड भी कह सकता हूँ, मैंने 33 वाट का एक रैंडम सा चार्जर यूज़ किया, मुझे नहीं पता इस फ़ोन में कितनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, क्योंकि इंटरनेट पे इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बहुत मुश्किल से है ना, मतलब रंग बिरंगी है इधर उधर मेंशन। तो बारे मैंने 33 वाट का चार्जर यूज़ किया, मेरे पास शाओमी का पड़ा हुआ था, तो चार्जिंग टाइम मैं साइड पे मेंशन कर दूंगा, 2 घंटे के आसपास ये ले जाती है फुल चार्ज होने में। बाकी जहाँ तक इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वो मुझे ओवरऑल अच्छी लगी है, 6.7 इंच का ये एक OLED पैनल है, पंच होल के साथ आता है, क्वाड HD प्लस के रेजोल्यूशन है, चिन और साइड बेजल्स भी ठीक है, थोड़ा सा कर्व पैनल है, बट इसको मैं प्रॉपर एच डिस्प्ले नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ा सा कर्व है पैनल के अंदर। यूज़ करते हुए स्मूथ है, 60Hz का ये पैनल है, 144Hz नहीं है, मुझे कुछ दोस्त पूछ रहे थे, तो 60Hz है भाई, 90 और 120Hz की तरह स्मूथ तो नहीं है, बट स्टैंडर्ड 60Hz के हिसाब से ठीक चल जाता है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। मल्टीमीडिया कंटेंट यूज़ करने के लिए बेहतरीन क्वालिटी है, Wide 1 L1 की सर्टिफिकेशन है, नेटफ्लिक्स फुल HD में आप चलाओ बेहतरीन है, डीप ब्लैक्स हैं, कलर वाइब्रेंसी डिस्प्ले के विंग एंगल्स बेहतरीन एक्सपीरियंस है इसके साथ, YouTube वीडियोस देखनी है, वट एवर जो भी आपने मल्टीमीडिया कंटेंट देखना है एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर है, एक नीचे एक ऊपर ईयर पीस में, 70% आवाज़ नीचे से आती है, 30% ऊपर से, मतलब ये हाइब्रिड स्टीरियो स्पीकर है। तो यस, मल्टीमीडिया वाली साइड से जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, आउटडोर में भी यूज़ करके देखा है, विजिबिलिटी को लेके भी कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वो भी सही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो सेकंड फ्लोर पे लगाया हुआ है, मतलब अंगूठे को थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ता है। उसके अलावा जो हैप्टिक फीडबैक है ना मैसेज वगैरह टाइप करते हुए, वो मतलब स्ट्रॉन्ग वाला है, प्रीमियम वाला नहीं है, जो ठक ठक वाला होता है ना वो नहीं है, वाइब्रेशन वाला है। बाकी जहाँ तक कैमरा परफॉर्मेंस की बात है तो बैक साइड पे 3 कैमरा है इसके, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, और इसका जो कैमरा सॉफ्टवेयर है वो ट्यून्ड बाय अडोबी है, ये मैंने डिटेल ऑनलाइन रीड की थी इसकी। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, आइए कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ आपको। तो ये इसके मैं क्विकली आपको फोटो सैंपल्स दिखा रहा हूँ, बेसिकली तो ये गेमिंग सेंट्रिक टाइप फ़ोन है, बट मैंने कहा कैमरा भी आपको दिखा दूँ क्योंकि कैमराज के नंबर अच्छे हैं। ओवरऑल डेट लाइट के अंदर डिटेल्स काफ़ी तक बेटर हैं, कोई सरप्राइजेज नहीं है, डायनामिक रेंज भी ठीक कैप्चर कर लेता है, समटाइम अंडर एक्सपोज करता है, फूल पत्तियों पे आगे कंफ्यूज रहता है और सैचुरेट कर देता है, एजेस शार्प डिटेक्ट नहीं कर पाता। ह्यूमन स्किन्स पे आओ तो स्किन टोन तो काफ़ी हद तक ठीक ही लगी है मुझे, बट पोर्ट्रेट्स में बॉडी शेप को स्लिम कर देता है, इतना पतला मैं हूँ नहीं, तो थोड़ा सॉफ्ट भी कर देता है अगर लाइट थोड़ी कम पड़ जाए। मेरी शाम के टाइम की फ़ोटो है, ये इनडोर की फ़ोटो है, यहाँ पे भी थोड़ी सॉफ्ट कर गया, बट गुजारा चल सकता है। ये 3x टेलीफोटो है, यहाँ पे डिटेल्स हैं, ऑप्टिकली जूम है तो ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम जूम इसका 12x तक जाता है, तो ऑब्वियसली ये डिजिटल जूम है तो उस तरह डिटेल्स को मेंटेन नहीं रख पाता जिस तरह ऑप्टिकल जूम में होता है। उसके अलावा सेल्फी आ जाओ, 32 मेगापिक्सल का नंबर है तो जितना नंबर है उसी हिसाब से परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट सब्जेक्ट पे डिटेल्स अच्छी हैं, HDRs अच्छे मैनेज नहीं करता, लो लाइट में थोड़ी सॉफ्ट फोटो आती है, बट गुजारा चल सकता है। वीडियो देखते हो तो बैक साइड से 4K 30fps है, 1080p 30fps, बट 1080p 60fps का ऑप्शन नहीं है। हाँ, स्टेबलाइजेशन नज़र आती है, बट थोड़े थोड़े ना मतलब जो हिकअप्स हैं ना, जिटर्स, वो थोड़े से हैं, बट अगेन गुजारे वाला ही काम है। फ्रंट पे 1080p 30fps है, तो कैमराज में देखो इसके सरप्राइजेस नहीं है, बट ऐसा फ़ोन है टेक्नो इन्फिनिक्स टाइप के फ़ोन से कैमरा बेटर है, गुजारा कर सकता है ये। बाकी जहाँ तक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इस फ़ोन का, देखो ये डोकोमो कैरियर का फ़ोन है, तो इस फ़ोन में ना डोकोमो का प्रीलोडेड ब्लॉटवेयर बहुत ज़्यादा है, चीनी मिनी ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ को डिसेबल करना पड़ता है, झाड़ू फेरना पड़ेगा कि UI के अंदर, नहीं तो वो फजूल के नोटिफिकेशन दे देके पका देंगे, तो एक बार झाड़ू फेर लोगे, आई मीन उसको डिलीट वगैरह कर लोगे ना, फिर एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगा आपका। एंड्रॉयड 12 के ऊपर है मेरा फ़ोन, मार्केट से 10 वाले भी मिल रहे हैं, 11 वाले भी मिल रहे हैं, तो अगर आप उसको वैसे ही अपडेट करोगे ना सिस्टम अपडेट के अंदर जाके, तो वो अपडेट नहीं होगा, आप जैपनीज VPN को कनेक्ट करोगे फिर वो अपडेट हो जाएगा आपका, मैंने भी इसी तरह अपडेट किया अपना बाय द वे, तो सही है। बैंकिंग ऐप्स भी चल जाती हैं सारी, क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल PTA प्रूफ फ़ोन है ये वाला। उसके अलावा जो दोस्त पूछते हैं ड्यूल ऐप्स या ड्यूल स्पेस का, बिकॉज ये फजित्सू की अपनी कोई भी UI नहीं है, ये कस्टम UI के फीचर्स हैं, इसमें काइंड ऑफ स्टॉक एंड्रॉयड टाइप का एक्सपीरियंस है, तो वो फीचर्स इसके अंदर नहीं है। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है झाड़ू फेरने के बाद सही हो जाता है। कनेक्टिविटी वाली साइड जो है इस फ़ोन की मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। देखो डोकोमो कैरियर का फ़ोन है, जैपनीज किट फोन है, मुझे लगा था इस रीजन में ना हमारे वाले में सिग्नल रिसेप्शन का इशू हो सकता है, वीक सिग्नल का इशू,
सिम लगाई इसमें, सिग्नल फुल फुल आ रहे थे, नेटवर्क रिसेप्शन की आपको हिस्ट्री भी दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, मतलब अच्छा रिसेप्शन है, कोई भी वीक सिग्नल्स का इशू नहीं था मुझे। कॉल क्वालिटी बड़ी बेहतरीन थी, ऊपर नॉइस कैंसलेशन माइक भी अच्छा काम करता है। उसके अलावा 4G प्लस का सपोर्ट है, डेटा कनेक्शन पे स्पीड्स भी अच्छी आती हैं, VoLTE का सपोर्ट है वॉइस ओवर LTE का, मतलब डेटा कनेक्शन और कॉल्स आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छी चीज़ है। NFC का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, राउटर से दो चार कमरे दूर बैठ के भी आप यूज़ करोगे तो वाईफाई के सिग्नल्स अच्छे कैच कर लेता है, तो कनेक्टिविटी जो है ना इस फोन की अच्छी लगी है मुझे। तो देखो अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करता हूँ, कुछ प्राइसिंग को देखते हैं इस फोन की, तो चीज़ें मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं पीछे। प्राइस अच्छी कंडीशन वाला ये जो Fujitsu Aeros F51A है, 45-40 के आसपास अच्छी कंडीशन वाला नॉन PT आपको मिल जाता है, कम भी मिल सकती है प्राइस, मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है कंडीशन पे, वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमेशा अच्छी कंडीशन वाला किट फोन बाई किया करो। 8000 रुपया टैक्स है, 7843 टू बी एग्जैक्ट, इसको पे करोगे तो ऑफिशियल PTI फ़ोन हो जाएगा, 5354 में आपको पड़ जाएगा। इतनी रेंज में अच्छे फीचर्स हैं, डिस्प्ले क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी ऐसा मेजर कॉन नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूं कि ये फ़ोन नॉट रिकमेंडेड है। कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे यार, कोई क्रिएटर भाई हैं हमारे, वो कह रहे थे कि ये फ़ोन बड़ा फजूल है इस तरह की। देखो उनका अपना ओपिनियन है, मैं प्रैक्टिकली चीज़ को टेस्ट करने के बाद आपको रिपोर्ट करता हूं, तो मैं ये रिपोर्ट कर सकता हूं कि ये फ़ोन आप ले सकते हो। और अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है लाइक 60-63 के आसपास, तो आप LG V60 की तरफ जाओ, वहाँ पे आपको चीज़ें तो अच्छी मिलेंगी, गेमिंग जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी अच्छी करवा देता है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ना FPS ड्रॉप काफ़ी देखने को मिलता है, विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छा गेम प्ले आपको ये करके दे देगा। LG V60 में बैटरी भी ज़्यादा है, बट अगर आपका बजट ज़्यादा टाइट है तो स्टिल आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।